नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूक्रेन से युद्ध के बाद से दुनिया बदल चुकी है और दो फाड़ हो चुकी है। कुछ रूस के साथ हैं तो कुछ अमेरिका के साथ हैं। इसी बीच अमेरिका रूस को धराशायी करने के लिए प्रतिबंध खेल रहा है और अमेरिकी थिंकरों को लग रहा है कि प्रतिबंध लगाने से रूस टूट जाएगा, लेकिन रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों की काट खोज ली है और मजे से मित्र देशों को अपना माल बेच रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। इसी को लेकर ईरान भी अब अपनी कूटनीति में बदलाव किया है और चाह रहा है कि दुनिया के देश जिस तरह से रूस से प्रतिबंध के बावजूद तेल खरीद रहे हैं और अमेरिकी प्रतिबंध को धता बता रहे हैं, ठीक वैसे ही वे हमारे साथ भी व्यवहार करें। जी हाँ, साल 2019 से भारत और ईरान के बीच तेल सप्लाई बंद है। ऐसे में अब ईरान एक बार फिर भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, इसलिए ईरान ने भारत से अपील की है कि भारत जिस तरह से रूस के मामले में अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर रहा है, उसी तरह उसके साथ व्यापार में भी अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह ना करे। एक रिपोर्ट की माने तो जल्द ही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट की माने तो 15-16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान में होने जा रही SCO बैठक के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और इसी मुलाकात में व्यापार को लेकर चर्चा कर सकते हैं। SCO काउंसिल मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति समेत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे। ईरान भारत से लगातार गुजारिश कर रहा है कि भारत डरे नहीं, व्यापार करे, लेकिन अमेरिका को भारत नाराज नहीं करना चाहता है। लेकिन ईरान बार बार तेल सप्लाई शुरू करने की बात भारत से कर रहा है। आपको जानकारी देते चले कि हाल ही में ईरान के राजदूत अली चेगेनी ने भारत के विदेश मंत्री SJYSHANKAR से मुलाकात की थी और कहा था कि आप हमसे तेल खरीदारी करें। इससे पहले बीते जून महीने में जब ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर जब भारत दौरे पर थे तो उन्होंने PM नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान भी इस मुद्दे को लेकर बातचीत की थी। तब ईरानी राजदूत ने कहा था कि भारत से संबंध मजबूत करने के लिए हमारी कोई सीमा, प्रतिबंध और बाधाएं नहीं है। हम पहले देश थे जिसने भारत को डॉलर नहीं बल्कि रुपया करेंसी में तेल निर्यात किया और भारत हमसे लगातार तेल खरीदता आया है। यहां तक हमने अन्य चीजों के लिए भी हमने रुपए में कारोबार किया है। वहीं ईरानी राजदूत ने यह भी दावा किया कि अगर भारत तेल का आयात नहीं रोकता तो जो ईरान और भारत के बीच 2018-19 में $17 बिलियन तक कारोबार हो रहा था, वो अब तक 30 से 35 बिलियन तक पहुंच जाता। यहां पर जानकारी देते चले कि साल 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के ऊपर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बाद भारत ने भी ईरान से तेल खरीदारी को रोक दिया था। उस समय ईरान ने भारत के इस फैसले को अमेरिका के दबाव में लिया गया फैसला बताया था। जानकारों की माने तो ईरान पर लगे प्रतिबंधों से पहले भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार था, जबकि चीन ईरान का अभी भी सबसे बड़ा तेल खरीदार है। तेल सप्लाई रोकने को लेकर उस समय ईरान ने काफी नाराजगी दिखाई थी। ईरान के तत्कालीन विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने कहा था कि भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव का मुकाबला करना चाहिए और मजबूती के साथ प्रतिरोध करना चाहिए था। ईरान ने उस समय कहा था कि भारत को अमेरिका परेशान कर रहा है और हमसे तेल नहीं खरीदने दे रहा है। भारत लोकतांत्रिक देश है, उसे अमेरिका से नहीं डरना चाहिए। अब एक बार फिर ईरान भारत को ललकार रहा है कि आप जिस तरह रूस से तेल ले रहे हैं हमसे भी लें और अमेरिका को धमकाएं। लेकिन अभी भारत ने ईरान को कोई जवाब नहीं दिया है। देखना होगा कि आगे भारत इस पर क्या जवाब देता है, लेकिन जानकारों की माने तो ईरान की भारत से शिकायत जायज है।